मैं ये तीसरा साल अटेंड कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। तो पूरे जयगांव में ये प्रोग्राम कहीं नहीं होता है, बस शहीदों के लिए एक दिया बस यहीं पे जलता है, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही जलता है। तो सबसे पहले मैं सबको दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम शहीदों का मान तो रखते हैं। थैंक यू। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शहीदों को दिल से याद कीजिएगा ना, तो आसमान भी फट जाएगा, और वो सबूत सामने दिख रहा है ना, आज बारिश भी हो रही है। भैया शहीद ना बड़े ईमानदार होते हैं, और उनके लिए भगवान भी रोते हैं, और वो आज आप देख रहे हैं। तो शहीदों की शहादत ऐसे खाली नहीं जाती है, और वो आपको देखने को हमेशा मिलेगा। बाकी हम तो हमें मेंटली और फिजिकली ऐसे प्रिपेयर किया जाता है ना, कि हमें मरने उरने से ना डर फर नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, हमें तो डर नहीं है, हम तो चले जाएंगे, और हमें नसीब अच्छा होगा कि हम जाएंगे, इसका हमारा शहादत इतना अच्छा निकलेगा। लेकिन हमारे पीछे जो छूट जाता है ना, वो छूट जाता है बहुत कुछ, वो टूट जाते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है, हम तो देश के लिए शहीद होने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं, और हमारा सपना होता है वो, कोई शौक लेके नहीं, मतलब ऐसा सपना होता है, तभी इस वर्दी को पहनते हैं। आप लोग पेंटालून से, रिलायंस से और एडवेन का अलग तरह का ब्रांड पहन सकते हैं, लेकिन ये ना, ये सबको नसीब नहीं है, और ये नसीब वालों को ही मिलता है, और हम बड़े नसीब वाले हैं, हमें अपने आप पे गर्व है। धन्यवाद।